इस वीडियो में मैं 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी पोलरॉइड को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा जिसे लार्स क्लेवबर्ग ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी लार्स क्लेवबर्ग की ही एक शॉर्ट फिल्म विद द सेम टाइटल पोलरॉइड पर बेस्ड है जो 2015 में नॉर्वेजियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। जो 2015 की शॉर्ट फिल्म है वो इस मूवी से पूरी तरह से मैच नहीं करती क्योंकि शॉर्ट फिल्म में बस इतना ही दिखाया गया है कि सैरा की मॉम के मरने के बाद वो और उसकी फ्रेंड लिंडा उनके कुछ पुराने सामान को समेट रहे थे और एक बॉक्स में सैरा को उसकी मॉम का एक पोलरॉइड कैमरा मिलता है जिसे उन्होंने किसी ऑक्शन में खरीदा था। पर वो जैसे ही उस पोलरॉइड से एक फोटो लेते हैं तो उसमें उनके पीछे एक ब्लैक फिगर भी दिखने लगता है। लिंडा को वो ब्लैक फिगर वाली एंटिटी घर के एटिक में मार देती है और बाद में सैरा देखती है कि ये उसकी मरी हुई माँ थी और वो सैरा को भी मार देती है। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट फिल्म बस ऐसे ही बना दी गई थी पर शायद लार्स क्लेवबर्ग ने बाद में सोचा होगा कि इस पर एक स्टोरी बेस्ड मूवी भी होनी चाहिए, इसलिए इस मूवी की शुरुआत भी इसी तरह से होती है जैसे इसकी शॉर्ट फिल्म में हुई थी। पर यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सैरा की मॉम की डेथ के बाद वो और उसकी फ्रेंड लिंडा उनके सामान को पैक कर रहे थे तभी उन्हें एक बॉक्स में सैरा की मॉम के कुछ फोटोज और एक पुराना पोलरॉइड कैमरा मिलता है। सैरा कहती है कि उनकी मॉम को ऐसे ही एंटिक चीजें खरीदना अच्छा लगता था। आगे लिंडा सैरा की उस पोलरॉइड कैमरे से एक फोटो लेती है और तभी उसे एक मैसेज आता है तो वो घर चली जाती है। सैरा अब घर में अकेली थी और वो जब उस फोटो को दोबारा देखती है तो उसके पीछे एक ब्लैक फिगर आ गया था। तभी उसे ऊपर एटिक से कुछ आवाजें आने लगती है और वो जैसे ही वहां चेक करने के लिए जाती है तो एक भूतिया हाथ उसके हाथ को टच करता है। सैरा जल्दी से वहां से नीचे भागने लगती है पर वो एंटिटी उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। अब इस घटना को हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। स्कूल के बाद कॉनर बर्ड को उसकी एक फोटो लेते हुए देख लेता है। बर्ड चुपके से कॉनर की फोटो ले रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। फिर वो अपने एंटिक स्टोर में आ जाती है जिसे वो और टाइलर मिलकर चलाते थे। वो पुरानी चीजों को खरीद कर उसे रिपेयर या रिस्टोर करते थे और बाद में बेच देते थे। थोड़ी देर बाद वहाँ टाइलर भी एक बॉक्स के साथ आ जाता है जिसे उसने एक यार्ड सेल में खरीदा था। उस बॉक्स में कुछ पुरानी चीजें थी और उसमें वही पोलरॉइड कैमरा भी था जिसे हमने स्टार्टिंग में सैरा के पास देखा था। तो शायद हो सकता है कि टाइलर ने इस बॉक्स को सैरा के घर के पुरानी चीजों की यार्ड सेल में खरीदा हो और इस पोलरॉइड कैमरा के पीछे किसी नोकीली चीज से खुरूद कर RJS भी लिखा हुआ था। तभी टाइलर बर्ड को उसकी एक फोटो लेने को कहता है तो उसे उसमें टाइलर के पीछे भी वही ब्लैक फिगर दिखाई देता है लेकिन बर्ड उसे इग्नोर कर देती है और उसके बाद वो जल्दी जल्दी में उस पोलरॉइड को लेकर अपने घर आ जाती है। घर पर वो जब उस पोलरॉइड कैमरे से अपने कुत्ते की फोटो लेने की कोशिश करती है तो कुत्ते को उस कैमरे में कुछ सेंस होने लगता है और वो डर कर पीछे हटने लगता है। तभी वहाँ बर्ड की बेस्ट फ्रेंड केसी आकर उसे आज रात एवरी की कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। तो रात में बर्ड रेडी होकर केसी की दूसरी फ्रेंड मीना और मीना के बॉयफ्रेंड डेविन से मिलती है और वो साथ में एवरी की पार्टी में आ जाते हैं। उसी दौरान स्टोर में टाइलर अकेला होता है और उस पर वो एंटिटी हमला करके उसे मार देती है। पार्टी में सभी इधर उधर बिजी हो जाते हैं तभी बर्ड को एक स्केलेटन मास्क पहना लड़का घूरने लगता है। बर्ड उससे बचने के लिए ऊपर आ जाती है पर वो स्केलेटन मास्क पहना लड़का कॉनर था। वो बर्ड से पूछता है कि सुबह वो उसकी फोटो क्यों ले रही थी तो बर्ड बहाना बनाते हुए कहती है कि वो उसकी फोटो नहीं खींच रही थी बल्कि अपने कैमरे को टेस्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ मीना और डेविन आकर कॉनर के साथ सेल्फी लेने लगते हैं पर वो उस फोटो में ठीक से नहीं आ रहे थे तो बर्ड उनसे कहती है कि वो पोलरॉइड कैमरे से उनकी फोटो ले सकती है और फोटो लेते समय केसी भी आ जाती है। और जैसे ही बर्ड उन सबकी फोटो खींचती है उसे इस बार कैमरे में कॉनर के पीछे एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है पर फोटो बाहर आने के बाद उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो सभी नीचे चले जाते हैं और तभी एवरी आकर उस पोलरॉइड कैमरे को देखने लगती है। एवरी जैसे ही उस पोलरॉइड से अपनी एक फोटो लेती है नीचे से उसे एक लड़का आवाज देने लगता है। नीचे पुलिस आई हुई थी पर वो पुलिस एवरी के पार्टी की वजह से नहीं बल्कि बर्ड के लिए आई हुई थी। ऑफिसर पेम्ब्रुक बर्ड को बताता है कि स्टोर में टाइलर की मौत हो गई है। टाइलर की मौत का सुनकर बर्ड को बहुत बुरा लग रहा था तभी उसकी नजर टाइलर के उस फोटो पर पड़ती है जिसमें से वो ब्लैक फिगर हटके अब एवरी की फोटो में आ गई थी। यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और एवरी सारे पेपर कप्स और बाकी सारी चीजों को साफ करने लगती है। तभी घर में रखे डमी पुतलों में से एक अचानक से हिलने लगता है जिसे देखने के बाद एवरी डरकर भागने लगती है पर वो एंटिटी एवरी को पीछे से पकड़कर मार डालता है। अगली सुबह केसी बर्ड को फोन करके बताती है कि पिछली रात एवरी अपने बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर मर गई। जिसे सुनने के बाद बर्ड कंफर्म हो जाती है कि टाइलर और एवरी की मौत के पीछे इस पोलरॉइड कैमरे का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। वो तुरंत ही उस पोलरॉइड कैमरे को तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं टूटता। बर्ड स्कूल आकर सभी को वो फोटोज दिखाती है और कहती है कि जिस किसी की भी इस पोलरॉइड से फोटो ली गई थी वो मर गया है। सभी लोग बर्ड की इस बात पर बिलीव नहीं करते और डेविन उनकी पार्टी वाली फोटो लेकर जला देता है और कहता है कि ये सब बकवास बात है। लेकिन उस फोटो में जैसे ही मीना का हाथ जलने लगता है उसके साथ साथ सच में उसका हाथ जल रहा होता है। कॉनर मीना के हाथ में लगी आग बुझाने की कोशिश तो करता है पर मीना के हाथ में कोई असर नहीं पड़ता। तभी बर्ड पीछे गिरे उस फोटो को पूरा जलने से पहले बुझा देती है तब जाकर मीना के हाथ में लगी आग बुझती है और वो फोटो भी पहले जैसा हो जाता है। वो मीना को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और अब तो सभी को ये यकीन हो गया था कि इस पोलरॉइड कैमरे में ही कुछ है जिस कारण ये सारी चीजें हो रही है।
तो कॉनर बर्ड से पूछता है कि उसे ये कैमरा कहाँ से मिला। तो बर्ड बताती है कि टाइलर एक बॉक्स लाया था जिसमें एक बैग के साथ ये पोलरॉइड कैमरा था। अब अगर उन्हें पता लगाना था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्हें उस बैग को लाना होगा। तो डेविन और केसी हॉस्पिटल में ही रुकते हैं और बर्ड और कॉनर स्टोर में उस बैग को लेने आ जाते हैं। बर्ड पीछे के रास्ते से स्टोर के अंदर आ जाती है और कॉनर कार में ही रुकता है। कॉनर उनकी उस फोटो को देख रहा था जिसे बर्ड ने पिछली रात पार्टी में लिया था और उसमें वो कुछ नोटिस करता है कि उस फोटो में उन सभी के साथ पीछे रिफ्लेक्शन में बर्ड की फोटो भी आ गई थी। इसका मतलब था कि बर्ड भी सेफ नहीं थी क्योंकि वो भी पोलरॉइड से खींचे गए फोटो में आ गई थी। अंदर बर्ड को वो बैग मिल जाती है और तभी उस पर वो एंटिटी हमला कर देता है। तो बर्ड जैसे तैसे खुद को बचाकर बाहर निकलने लगती है पर उसका स्कार्फ एक कील में फंस जाता है। तभी कॉनर वहां आकर उसकी मदद करता है और वो उस बैग को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बर्ड कॉनर से पूछती है कि वो एंटिटी उस पर हमला क्यों कर रहा है, वो तो किसी फोटो में है भी नहीं। तो कॉनर उसे वो फोटो दिखाता है जिसे देखने के बाद बर्ड बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मीना को फोन करके बताती है कि उस एंटिटी ने उस पर स्टोर में हमला किया तो वो लोग अपना ध्यान रखे। तो मीना अपने बेड से उतर जाती है और बाहर जाने के लिए जैसे ही पर्दा हटाती है वो एंटिटी उस पर हमला कर देता है। डेविन जब वहां आता है तो मीना को लटका हुआ देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद बर्ड और कॉनर भी हॉस्पिटल आ जाते हैं पर तब तक मीना मर चुकी थी। डेविन बर्ड को इन सबका दोषी मानता है क्योंकि उसी ने इस पोलरॉइड कैमरे से उन सबकी फोटो ली थी। तो बर्ड दुखी होकर वहां से चली जाती है और कॉनर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बर्ड एक जगह बैठकर रोने लगती है पर उनके पास इन सबके लिए टाइम नहीं था तो वो उस बैग में पोलरॉइड से जुड़ी जरूरत की चीजों को ढूंढने लगते हैं। तभी बर्ड को उस केस में कैमरे से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिल जाती है तो वो पास के पब्लिक लाइब्रेरी में पता लगाने के लिए आ जाते हैं। वो 1974 के सारे न्यूज़पेपर को देखने लगते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उस साल लोकस्ट हार्बर में 3 विद्यार्थियों को टॉर्चर करके मार दिया गया था। रोलैंड जोसेफ सेबल इन हत्याओं के लिए दोषी पाया गया था जो कि एक फोटोग्राफी टीचर थे। उन्हें कस्टडी में ले जाने से पहले ही पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी। तभी बर्ड उस पोलरॉइड को देखती है और कहती है कि यह कैमरा उन्हीं का है, रोलैंड जोसेफ सेबल का। बाद में बर्ड सभी को बताती है कि यह एंटिटी और कोई नहीं बल्कि रोलैंड का भूत है और ये एक फोटोग्राफ की तरह है जो रोशनी, पानी या आग में नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरे में आ सकता है। और वो पहले जहाँ रहते थे उस घर को किसी एनी फाराडे ने 1977 में खरीद लिया तो अब उनके लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ये सब कैसे रोका जाए। तभी डेविन परेशान होकर कहता है कि उनमें से कोई भी नेक्स्ट हो सकता है और वो उस पोलरॉइड कैमरे को उठा लेता है। वो बर्ड की फोटो लेने ही वाला होता है कि कॉनर उसे रोकने लगता है और खींचातानी में एक फोटो क्लिक हो जाती है। वो सभी जब देखते हैं तो उस फोटो में गलती से डेविन की ही फोटो आ गई थी और वो ब्लैक फिगर अब कॉनर से हटकर डेविन की फोटो में आ गया था। डेविन मरना नहीं चाहता था तो वो फिर से एक बार बर्ड की फोटो लेने की कोशिश करता है। तभी केसी डेविन की उस फोटो में एक पेंसिल घुसा देती है और ऐसा करते ही डेविन के हाथ में एक छेद हो जाती है। केसी जब उस पेंसिल को बाहर निकालती है तो वो फोटो पहले जैसा हो जाता है पर डेविन के हाथ में वो छेद वैसे ही रहती है। डेविन गुस्सा होकर केसी पर चिल्लाने लगता है। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और डेविन पीछे देखे बिना ही उन पर हाथ उठा देता है। इसके बाद डेविन को कस्टडी में ले लिया जाता है और बर्ड और कॉनर पेम्ब्रुक को समझाने लगते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ क्या हो रहा है। बर्ड पेम्ब्रुक को उस पोलरॉइड कैमरे के बारे में भी बताती है कि 40 साल पहले ये रोलैंड का था और अगर वो उस घर में जाकर एक बार चेक करे तो शायद उन्हें कुछ पता चल सकता है। पर पेम्ब्रुक उन्हें वहां जाने से साफ मना कर देता है और घर जाने के लिए कहता है। बर्ड और कॉनर बाहर आ जाते हैं तभी उन्हें केसी का फोन आता है जो उन्हें बताती है कि एनी फाराडे ने 1977 में उस घर को नहीं खरीदा था, उसने बस अपना नाम चेंज कर लिया था। उसका असली नाम लैना सेबल है और वो रोलैंड की वाइफ है। तो बर्ड और कॉनर तुरंत ही उस घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ केसी साइबर कैफे में उस घर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगती है। इस तरफ डेविन को एक छोटे से रूम में बंद करके रखा गया था और वहां उसे पहले तो कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और फिर बाद में रोलैंड का भूत उसे भी मार डालता है। बर्ड और कॉनर उस पुराने घर में आ गए थे और नॉक करने पर घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है जो कि लेना सेबल थी। जब बर्ड उन्हें बताती है कि उसके फ्रेंड्स एक एक करके उनके हस्बैंड के कैमरे की वजह से मर रहे हैं तो लेना कहती है कि ये उसके हस्बैंड का कैमरा नहीं था, ये उनकी बेटी रेबिका जेन सेबल का कैमरा था। लेना उन्हें घर के अंदर ले आती है और बताती है कि उनकी बेटी रेबिका दूसरे बच्चों की तरह ही नॉर्मल थी पर थोड़ी सी स्लो थी। उन्होंने जब उसे वो कैमरा गिफ्ट किया तो रेबिका उस कैमरे के साथ अटैच्ड हो गई, हमेशा उसे अपने पास रखने लगी। फिर एक दिन 4 बच्चे उसे धोखे से बाहर ले गए और उसकी कुछ हॉरिबल्स फोटोज खींच ली। साथ ही उन्होंने अगले दिन उन फोटोज को स्कूल में सर्कुलेट करके रेबिका को बहुत ज्यादा एम्बेरस किया। रेबिका इन सारी चीजों को झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। जब रोलैंड ने उन फोटोज को देखा तो वो उन बच्चों से बदला लेना चाहता था तो उसने स्कूल के डार्क रूम में सभी को एक एक करके चेयर पर बांध दिया और उनको मारने लगा। पर जैसे ही वो आखिरी बच्चे को मारने जा रहा था वहां पुलिस आ गई और रोलैंड को शूट कर दिया। रोलैंड उस पोलरॉइड कैमरे को अपने हाथ में ही पकड़े मर गया पर उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक कि वो आखिरी बच्चे को मार ना दे।
लेना बर्ड को उस आखिरी लड़के की फोटो देती है और कहती है कि यही वो लड़का था जो पुलिस के आने से बच गया था। तभी कॉनर अपनी जेब से डेविन की फोटो निकाल कर देखता है जिसमें से वो ब्लैक फिगर हट गई थी। तो कॉनर समझ जाता है कि डेविन मर चुका है और अब किसी और की बारी है। तो वो बर्ड को जल्दी वहां से चलने के लिए कहता है और वो केसी को भी फोन करके स्कूल में मिलने के लिए बुला लेते हैं। बर्ड और कॉनर स्कूल आ जाते हैं और वो ईयरबुक में उस लड़के की फोटो ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें एक फोटो उस लड़के की फोटो से मैच होती हुई दिखती है जो और किसी की नहीं बल्कि ऑफिसर पेम्ब्रुक की थी। इसका मतलब वो आखिरी लड़का पेम्ब्रुक ही था जो बच गया था। उसी समय पेम्ब्रुक केसी को पकड़कर आ जाता है और वो सभी पर गुस्सा करने लगता है कि उसके मना करने के बाद भी वो लेना के घर गए और स्कूल में भी चोरी छिपे घुस आए। तो कॉनर पेम्ब्रुक से कहता है कि उन्हें उनकी सच्चाई का पता चल गया है कि उसने ही अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर रेबिका को परेशान किया और वो आखिरी थे जो बच निकले थे। तभी बर्ड अपने बैग से उस पोलरॉइड को बाहर निकालती है और पेम्ब्रुक की फोटो लेने की कोशिश करती है ताकि रोलैंड की आत्मा उनका पीछा छोड़ दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो कॉनर बर्ड से वो कैमरा छीन लेता है और पेम्ब्रुक के रोकने से पहले ही उसकी एक फोटो ले लेता है। पेम्ब्रुक उस कैमरे को गिरा देता है पर तब तक उसकी एक फोटो आ चुकी थी। पेम्ब्रुक बताता है कि लेना ने उन सबसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। वो अपने पागल पति की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। असल में रेबिका की वो सारी फोटोज उन्होंने नहीं बल्कि उसके फादर रोलैंड ने ही खींची थी। वो सभी तो रेबिका के अच्छे दोस्त थे और उस दिन वो सभी रेबिका को उन फोटोज के साथ पुलिस के पास चलने के लिए कह रहे थे, पर रोलैंड को ये बात पता चल गई और उसकी सच्चाई सबको पता न चल जाए इसलिए उसने स्कूल के डार्क रूम में सबको एक एक करके पकड़कर मार दिया। लेकिन जैसे ही वो पेम्ब्रुक को मारने वाला था वहां पुलिस आ गई और वो बच निकला। और रेबिका भी इस शर्म के साथ नहीं जी सकती थी जो उसके पिता ने उसके दोस्तों के साथ और उसके साथ किया था, इसलिए उसने अपने दोस्तों के मर्डर के कुछ समय बाद सुसाइड कर लिया। और जैसे ही पेम्ब्रुक ये कहानी खत्म करता है उनके पीछे रोलैंड अपने असली फॉर्म में आकर खड़ा हो जाता है। पेम्ब्रुक उसे अपनी गन से शूट करता है पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तभी रोलैंड उस फोटो को उठाकर उसके दो टुकड़े कर देता है और ऐसा करते ही पेम्ब्रुक के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक रोलैंड केसी के पैर पर भी हमला कर देता है पर बर्ड उसे उठाकर वहां से भागने लगती है और कॉनर भी दूसरी तरफ भाग जाता है। बर्ड केसी को लेकर वॉशरूम आ जाती है और सारे शावर्स ऑन कर देती है और जब रोलैंड वहां आता है तो वो पानी के थ्रू नहीं जा पाता क्योंकि जैसा बर्ड ने पहले बताया था कि रोलैंड की आत्मा एक फोटो की तरह है जो रोशनी और पानी में नहीं दिख सकती। रोलैंड वहां से चला जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद बर्ड केसी को वहीं वेट करने को कहती है और कॉनर को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर कॉनर उसे एक अंधेरे कमरे में खींच लेता है जहां वो छिपा हुआ था। बर्ड उससे कहती है कि उन्हें वो पोलरॉइड ढूंढना होगा जिसे वो उसी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो बर्ड और कॉनर उसी जगह से पोलरॉइड को उठा लेते हैं पर तभी रोलैंड कॉनर को पीछे से खींचकर ले जाने लगता है। तो बर्ड उसे बचाने के लिए अपनी एक फोटो ले लेती है जिसके बाद रोलैंड अब उसके पीछे आने लगता है। बर्ड जल्दी से डार्क रूम में आ जाती है और जैसे ही रोलैंड उसे पकड़ लेता है और फुल्ली विजिबल हो जाता है बर्ड उसी की एक फोटो ले लेती है पर गलती से उस फोटो में बर्ड की दो उंगलियां भी आ गई थी। लेकिन फिर भी वो रोलैंड की आत्मा को खत्म करने के लिए उस फोटो को मरोड़ने लगती है पर उससे रोलैंड थोड़ी देर के लिए तो मुड़ जाता है पर नष्ट नहीं हो पाता। तो बर्ड जल्दी से उस फोटो को जला देती है जिसके बाद रोलैंड की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अंत में बर्ड कॉनर से कहती है कि वो केसी को हॉस्पिटल ले जाए और वो जाकर उस पोलरॉइड कैमरे को नदी में फेंक देती है ताकि आगे और किसी की भी इस कैमरे की वजह से मौत ना हो। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।